हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे वीडियो री एग्ज़ाम के लिए हिंदी स्पेशल, राइट। हिंदी स्पेशल कवर करेंगे। यहाँ पर टॉप 18 प्रश्न हमने लिया है संज्ञा से। फ्रेंड्स, हिंदी का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है संज्ञा, क्योंकि यहाँ से हर बार क्वेश्चन बनते हैं। और आप प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम अगर देखेंगे पेपर उठा के, तो वीडियो की एग्ज़ाम में संज्ञा से एक से दो प्रश्न बने हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहें। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दें, अगर चैनल पर नए तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपको सबसे पहले अपडेट मिलती रहे। क्योंकि यहाँ पर आपको डेली बेसिस पर वीडियो री एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग ही तैयारी करवाई जाएगी, ठीक है। और आपको डेली बेसिस पर आपको वीडियो मिलेगा। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो, इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहें। तो संज्ञा यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज का पहला प्रश्न है कि संज्ञा को किस नाम से जाना जाता है। तो संज्ञा को किस नाम से जाना जाता है, तो इसे नाम के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संज्ञा को किस नाम से जानते हैं, नाम के नाम से। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि वस्तु यानी वस्तु, स्थान, भाव या विचार के द्योतक शब्द को क्या कहते हैं, तो उसे संज्ञा कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संज्ञा। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि यहाँ पर वीडियो से रिलेटेड जितने भी पीडीएफ होंगे आपको टेलीग्राम पर मिलेंगे, और व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन के लिए वहाँ पर भी आपको पीडीएफ दिया जाएगा, लेकिन ज़्यादातर पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर ही मिलेगा, ठीक है। और बाकी जितना अपडेट होगा आपको टेलीग्राम पर या तो व्हाट्सएप ग्रुप में दे दिया जाएगा। तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। अगला है, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के तीन भेद होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है। तो स्त्रीत्व शब्द में भाववाचक संज्ञा है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित शब्द में कौन सा संज्ञा शब्द है। तो फ्रेंड्स, आपको संज्ञा शब्द यहाँ से जज करना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रोध। क्रोध यहाँ पर क्या है, संज्ञा शब्द है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि भाववाचक संज्ञा बनाइए। तो यहाँ पर कौन सा भाववाचक संज्ञा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लड़कपन जो है यहाँ पर भाववाचक संज्ञा है। तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, लड़कपन। लड़कपन क्या है, भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि सचरित्रता किस मूल शब्द से बना है, यानी जो सचरित्रता का मूल शब्द क्या होगा। तो इसका मूल शब्द जो होगा चरित्रता होगा, ठीक है। क्या होगा, चरित्र होगा। क्या होगा, चरित्र। चरित्र से ही आपका सचरित्रता बना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चरित्र। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शत्रुता जो है भाववाचक संज्ञा है, जिसके लास्ट में ता आए, त्वा आए और पन आए, ये सब क्या होते हैं, भाववाचक संज्ञा होते हैं, इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लास्ट में ता आया है शत्रुता में, तो इसकी वजह से यह भाववाचक संज्ञा है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है। तो देखिए, यहाँ पर शत्रुता भाववाचक संज्ञा है, तो वही रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शत्रुता भाववाचक संज्ञा है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा को बताना है, तो जो व्यक्ति विशेष को संबोधित करता है, जैसे आपका यमुना हो गया। अगर कहता यहाँ पर नदी का नाम लेता, तो नदी आपका क्या हो जाता, नदी में किसी विशेष व्यक्ति विशेष को नहीं कह रहा, तो यहाँ पर जातिवाचक हो जाता। लेकिन यहाँ पर हमसे व्यक्तिवाचक पूछ रहा है, तो यहाँ पर यमुना नदी का नाम हो गया, तो इसके वजह से यह व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है।
तो यहाँ पर मिठाई भाववाचक संज्ञा नहीं है। इसका मिठाई जो होता है मिठास भाववाचक संज्ञा होता है। क्या होता है? मिठास भाववाचक संज्ञा होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे जातिवाचक संज्ञा बताइए। तो जातिवाचक संज्ञा क्या हो जाएगी? जातिवाचक संज्ञा यहाँ पर लड़का, जातिवाचक यानी समस्त लड़कों के बारे में बोध करा, ना कि राम, ना कि श्याम, ना कि किसी और व्यक्ति के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर सभी लड़कों के बारे में बोध करा रहा है, इसके वजह से यह जातिवाचक संज्ञा हो गया। अगला क्वेश्चन है, कह रहा क्रोध कालिमा मिठास में कौन सी संज्ञा निहित है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एससी का। तो यहाँ पर क्रोध कालिमा मिठास यहाँ पर भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, पूछ रहा है यहाँ पर समूहवाचक संज्ञा की पहचान करें। यहाँ पर समूहवाचक संज्ञा टीम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? टीम। टीम यहाँ पर समूहवाचक संज्ञा। अगला क्वेश्चन है, गोस्वामी जी ने रामचरितमानस की रचना की, इस वाक्य में कौन सी संज्ञा निहित है? गोस्वामी जी ने रामचरितमानस की रचना की, इस वाक्य में कौन सी संज्ञा निहित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो रामचरितमानस के बारे में पूछ रहा है, तो यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। अगर ग्रंथ यहाँ पर दे देता तो आपका जातिवाचक हो जाता, लेकिन यहाँ पर ग्रंथ का नाम दे रखा है, इसकी वजह से यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि देश को हानि जयचंदों से होती है, इस वाक्य में कौन सी संज्ञा है? तो देश को हानि जयचंदों से होती है, यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जातिवाचक संज्ञा। अगला क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पर्वत शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो पर्वत, देखिए यहाँ पर समस्त पर्वतों की बात करना, ना कि हिमालय, ना तो राकीज है, ना तो किसी अन्य पर्वत के नाम के बारे में बता रहा है। यहाँ पर पर्वत शब्द के यानी समस्त पर्वत के बारे में बता रहा है, यानी समस्त जातियों का बोध हो रहा है, इसकी वजह से यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा हो गया। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि धुआं शब्द में कौन सी संज्ञा है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है। तो धुआं यहाँ पर आपका द्रव्यवाचक संज्ञा में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द्रव्यवाचक संज्ञा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फ्रेंड्स विश्वास मानिए, अगर आप वीडियो और एग्ज़ाम की तैयारी अगर मन से करते हैं, तो इस बार आपका वीडियो में 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि इस बार जो कंपटीशन होगा पिछली बार की तुलना में कम होने वाला है, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि एसआई में सेलेक्ट हो गए हैं, 2000 ग्रेड्स पे से ज़्यादा स्तर की नौकरी है, और कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि जॉब में सेटल हो चुके हैं। तो जो जॉब में सेटल हो जाते हैं उनकी उतनी तैयारी करने का मौका नहीं मिल पाता, इसके वजह से तैयारी उतना अच्छे से नहीं हो पाती है। बाकी वो लोग भी पेपर देने का पूरा प्रयास करेंगे, ठीक है? तो फ्रेंड्स आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए, ताकि इसमें आपका एक सीट फिक्स हो सके। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आज का, कह रहा कि वीर का भाववाचक संज्ञा क्या होगा? तो देखिए, वीर एक ऐसा शब्द है जिसको दो प्रकार से यहाँ पर भाववाचक संज्ञा बनाई जाती हैं, एक वीरत्व और दूसरा यहाँ पर वीरता। ठीक है, एक वीरत्व और एक वीरता, क्योंकि हमने बताया था कि जिसके लास्ट में ता हो, त्वा हो, पन हो, ये सब क्या होते हैं? भाववाचक संज्ञाएं होती हैं। तो यहाँ पर आपको ए और बी दोनों ऑप्शन देखने को मिल रहा है, किसमें? ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, तो देखिए हो सकता है आपको क्वेश्चन इस तरह से भी देखने को मिले, या तो वीरता दे देगा या तो वीरत्व दे देगा, दोनों में से एक चीज़ दे देगा, और इससे पूछेगा कि वीर का भाववाचक क्या बनेगा। तो याद रखिएगा, वीरता और वीरत्व। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ से फ्रेंड्स हमने संज्ञा से टॉप 18 प्रश्न कवर किया, मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं एक नई वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें, क्योंकि यहाँ पर वीडियो और एग्ज़ाम की तैयारी बिल्कुल फ्री में करवाई जाएगी, बिल्कुल टू द पॉइंट। तो फ्रेंड्स मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।